नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2018 के इस डेली न्यूज एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के डेली न्यूज एनालिसिस की। सबसे पहले बात जिस न्यूज आर्टिकल की हम करेंगे उसमें सर्वाइकल कैंसर होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो महिलाओं के गर्भाशय यूट्रस से रिलेटेड एक कैंसर है और ये कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होता है जो कि यूट्रस गर्भाशय से रिलेटेड कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया कि वो मुफ्त में एक वैक्सीन होती है HPV, मुफ्त में एक वैक्सीन होती है, फ्री में एक वैक्सीन होती है HPV, उसके जो वैक्सीन का यूज किया जाएगा जो स्कूली गर्ल्स होती है उन पर, ताकि उनको ये बीमारी ना हो। तो ये फैक्ट हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये हेल्थ पॉलिसी में, वुमेन एम्पावरमेंट में, ये या फिर आप कह सकते जनरल साइंस में और करंट अफेयर्स किसी भी सेक्शन में हमारे एग्जाम में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ जो न्यूज आर्टिकल है उसमें सऊदी अरब से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल है और सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार मिल गया है, ड्राइविंग का अधिकार मिल गया है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज आर्टिकल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाल ही में किस मिडिल ईस्ट कंट्री में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार मिला, तो सऊदी अरब। इसके अलावा ये जो न्यूज आर्टिकल हैं वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो पहला फैक्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2017, उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई, तो 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी और ये पहली इंडिया मोबाइल कांग्रेस है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तो रविशंकर प्रसाद हैं, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं वो पीपी चौधरी हैं जो कि राजस्थान के हैं और पाली के सांसद हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ इस जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ये भी बताया गया कि 2020 तक जो भारत में 4G की सेवा भी शुरू सॉरी 5G की सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो 5G की जो शुरुआत है उसके लिए एयरटेल कंपनी और एक हुआवे कंपनी है, उन्होंने आपस में जॉइंट एग्रीमेंट किया है, तो ये भी पता होना चाहिए कि 5G जो नेटवर्क है कौन ला रही है, तो एयरटेल व हुआवे कंपनी। इसके अलावा थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो वो भी हम जान लेते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है। और टेलीकॉम सेक्टर में पिछले 4 साल में 220% मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है और इससे 4 करोड़ नौकरियाँ पैदा हुई है। तो टेलीकॉम सेक्टर को हमारे कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में कितना योगदान हो सकता है, इसको रिलेटेड ये फैक्ट आपके काम आ सकता है। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी जानकारी है कि एक ऐसा स्मार्टफोन भी आ रहा है जिसमें अल्ट्रासोनिक तरंगे होगी जिसकी सहायता से जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो होते हैं वो भी इसके दूर भाग जाएंगे। तो थोड़ा सा इस आर्टिकल बारे में जान लिया। यहाँ जो न्यूज आर्टिकल हैं वो उत्तर कोरिया और जो कह सकते हैं उत्तर कोरिया के क्षेत्र में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर ये न्यूज आर्टिकल है। इसमें यही बताया गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, साथ ही जो उत्तर कोरिया का एक सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप है हवाई द्वीप एक इम्पोर्टेंट द्वीप है क्योंकि यहाँ एक तो बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वॉल्केनोज पाए जाते हैं और दूसरा हवाई द्वीप से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा है वो भी गुजरती है। तो कई लोगों को ये लगता है कि अमेरिका से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, लेकिन गुजरती हैं, वो हवाई द्वीप से गुजरती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रंप ने ये चेतावनी दी है तो उसका फ्रांस ने विरोध किया है। फ्रांस ने कहा कि ये एक अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो न्यूक्लियर वार हो सकता है जो कि वर्ल्ड के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति को हैं वो प्योंग यांग यानी जो उत्तर कोरिया की राजधानी है वहाँ की सरकार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए, कूटनीतिक दबाव अपनाना चाहिए। तो ये उसी रिलेटेड एक न्यूज़ थी। इसके अलावा इस जो न्यूज आर्टिकल में है वो मिताली राज के बारे में बताया गया है। तो मिताली राज के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, एक तो कि क्रिकेट को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वुमेन क्रिकेट को लेकर तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हुए हैं उसमें भी करंट अफेयर्स में मिताली राज को लेकर क्वेश्चन आया है, तो उसके बारे में मिताली राज के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस जो न्यूज आर्टिकल में फैक्ट दिए गए वो जान लेते हैं। मिताली राज भारत की चाहे वो मेंस हो चाहे वो फीमेल्स हो उसमें पहली क्रिकेटर हैं जिसने
पहली कैप्टन है जिसने इंडिया को 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया है, एक तो 2005 में और एक 2017 में। तो ऐसा करने वाली वो पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर पहले कैप्टन है। दूसरा, वो वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर है। वनडे में उन्होंने 6190 रन बनाए हैं और वो 6000 रन बनाने वाली 6000 रन बनाने वाली पहली वुमेन क्रिकेटर है। इसको ये फैक्ट पूछा गया था एग्जाम में। इसके अलावा वह इंडिया की ऐसी मतलब कह सकते हैं ऐसी एकमात्र वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने लगातार सात मैचों में 50 बनाई हैं। तो ये भी फैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा मिताली राज का राजस्थान से भी कनेक्शन है। मिताली राज वैसे साउथ इंडियन है लेकिन उनका जो जन्म हुआ है वो राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मिताली राज है उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। मिताली राज ने अपने पहले मैच में कोई भी सेंचुरी नहीं लगाई थी, क्योंकि ये फैक्ट पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी नहीं लगाई थी, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इस न्यूज़ आर्टिकल में दार्जिलिंग इश्यू के बारे में बताया गया है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे विथ मैप। यहाँ जो न्यूज़ आर्टिकल आया है वो रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज हैं उनको लेकर आया है। हालांकि हम इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं लेकिन चेतन भगत ने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया गया कि रोहिंग्या जो हैं उनको म्यांमार में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार में रोहिंग्या जो है उनको नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, उनके पासपोर्ट नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब से वंचित रखा जा रहा है। इवन देन उनको शादी करने से पहले भी, मैरिज करने से पहले से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और इसमें भी काफ़ी साल लग जाते हैं। मतलब आप शादी आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, उसमें भी आप गवर्नमेंट से फैसला लो, 3-4 साल लगेंगे आप, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। इसके अलावा आप पड़ोस के गांव में भी नहीं जा सकते, इससे पहले भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो किस तरह उनका शोषण होता है ये या उन्होंने बताया है। इसके अलावा उन्होंने जो आगे बताया है कि जो रोहिंग्याज हैं, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको भारत में आने देना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं आने देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ कारण तो जो ऐसे हैं जो वास्तविक रीजन है कि उनको भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, और लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो दो चीज़ें शो करते हैं। एक तो जो हमारे अंदर जो कट्टरता बढ़ रही है वो शो करता है, और दूसरा जो शो करता है कि हमारे अंदर जो मानवीय संवेदना की कमी है, ठीक है, जो ह्यूमेनिटी की कमी है उसको शो करते हैं। तो सबसे पहले वो बात करें कि उन कारणों की बात करें जिसके जिसके कारण रोहिंग्याज को वास्तव में भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, मतलब जो लॉजिकल रीजन है उनकी बात कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि जो रोहिंग्याज मुस्लिम हैं उनका आतंकवादियों से काफ़ी रिश्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और या फिर उनके जो उनके अतिवादी कट्टरपंथी होने का भी खतरा है और ये आकलन गलत नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि रोहिंग्याज में कट्टरपंथी संगठन है रोहिंग्या सॉल्वेंशन आर्मी करके, एक रोहिंग्याज का एक गुट है रोहिंग्या सॉल्वेंशन आर्मी, और इसी के आतंकवादी हमलों का नतीजा है कि जो म्यांमार की सरकार है वो रोहिंग्याज को वहाँ से निकालने पर आमदा हो गई है। दूसरा ये है कि उन्होंने तर्क दिया है, हालांकि उन्होंने यही काउंटर व्यूज दिया है कि ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि जो लोग स्ट्रगल करते हुए बड़े होते हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेस की कमी होती है उनके मतलब उनके माइंड प्रेस होने की संभावना ही उतने ही ज़्यादा होती है। लेकिन उन्होंने कहा इस मानक पर तो काफ़ी भारतीय भी फिट बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी गरीबी काफ़ी मात्रा में है। उन्होंने कहा है कि जो रोहिंग्याज मुस्लिम हैं उनको भारत में शरण तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि उनके अतिवादी और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की संभावना है तो हमें उनका एक व्यवस्थित एक कह सकते हैं व्यवस्थित डाटाबेस रखना चाहिए ताकि उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके, उनकी निगरानी की जा सके, ताकि जो आतंकवादी घटनाएं होने की संभावना घट जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि उनका एक रेफ्यूजी कार्ड बना दिया जाए ताकि हमें पता चल सके वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि उन पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना या फिर उन पर फायरिंग करना ये पूरी तरह से जो भारत जैसे सभ्य लोकतांत्रिक मानवीय देश के जो मूल्य हैं उनके खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा कारण बताएंगे कि जो भारत सरकार तर्क देती है कि रोहिंग्याज मुस्लिम को भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, उसके पीछे दिया जाता है कि जो रेफ्यूजीज होते हैं उस उनके आने पर जो इंडिया पर बोझ पड़ेगा। तो इसका उन्होंने काउंटर व्यू दिया कि ज़्यादातर जो रोहिंग्याज हैं वो तो बांग्लादेश चले जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश उनके ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार बांग्लादेश में 4 लाख के करीब रोहिंग्याज रेफ्यूजीज हैं जबकि भारत में उसके 10
1/10 भाग यानी लगभग 40,000 के करीब है। और दूसरा है कि कोई भी देश जो रेफ्यूजीज होती है उनकी डायरेक्ट हेल्प नहीं करता है, रेफ्यूजीज खुद अपनी रोजी रोटी खुद चलाते हैं और ज़्यादातर खुद मजदूरी करते हैं, तो फिर इस तरह का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है वो बिगड़ सकता है, लेकिन आप उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तो इसका भी निपटारा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जिसके तहत ये हो कि पड़ोसी देशों से कोई भी अगर वहाँ उनका कोई भी अगर कम्युनिटी है वहाँ पड़ोसी देश में उसका कास्ट के बेस पर या रिलीजन के बेस पर अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो भारत में शरणार्थी के लिए रेफ्यूजीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो रेफ्यूजीज के लिए पॉलिसी बनाने का ये मतलब नहीं है कि भारत ही केवल रेफ्यूजीज को शरण देगा, हमें भी यूरोपीय यूनियन की तरह एक पॉलिसी बनानी चाहिए पूरे आसियान क्षेत्र के लिए, या फिर जो साउथ ईस्ट जो क्षेत्र है उसके लिए पूरी एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत अगर ऐसी क्राइसिस आती हैं तो सभी देश मिलकर इस क्राइसिस का सामना करेंगे। और इंडिया ऐसा करके इस जो रीजन है उसमें एक रीजनल पावर के रूप में उभर सकता है, उन्होंने ये भी बताया है। इसके अलावा इसमें मतलब जो ये फैक्ट बताया गया है कि म्यांमार एक बहुत 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 कम्युनिटी बहुल देश है और जो बौद्ध धर्म है अपनी अहिंसा के लिए जाना जाता है, तो भारत को ज़रूरत है कि वो अन्य देशों का साथ लेकर म्यांमार को समझाए और इस समस्या का जो डिप्लोमेटिक और कह सकते हैं पॉलिटिकल जो सोल्यूशन हो सकता है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें, ताकि जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस उनके कंट्री आसानी से भेजा जा सके और वहाँ उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, जो इसका फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा नीचे यहाँ जो न्यूज आर्टिकल है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अभी आपको पता है कि जो मन की बात कार्यक्रम है उनके 3 साल पूरे हो गए हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मन की बात कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, सितंबर 2014 में शुरू हुई थी, और इसके तहत प्रत्येक महीने में आपको कह सकते हैं मन की बात का कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसी तरह बिहार गवर्नमेंट भी एक कार्यक्रम चला रही है लोक संवाद, लोक संवाद ये कार्यक्रम है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में यही बताया गया है कि मन की बात है लोक संवाद जैसे कार्यक्रम हमें निचले स्तर पर भी चलाना चाहिए, यानी ग्राउंड लेवल पर भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जो प्रभारी मंत्री होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनको भी अपनी जनता से ऐसा ही मतलब बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता की राय का और उनकी अपेक्षाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे सपोज कर लीजिए हम ये चैनल चला रहे हैं तो इसमें भी आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये न केवल डेमोक्रेटिकल हैं, बाकी गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कब काम कर पाएगी जब उन्हें जनता की मांगों का पता चलेगा, उनकी डिमांड का पता चलेगा, तो यही डेमोक्रेसी में होता है। और यही आप कह सकते हैं जो भी बिजनेस वगैरह होता है उनमें भी यही पॉलिसी अपनाई जाती है, फीडबैक पॉलिसी। तो इसके बारे में थोड़ा सा न्यूज आर्टिकल था। इसके अलावा यहाँ जो कल आपको पता है एक न्यूज आई थी, मैप है, मैप से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। कल एक न्यूज आई थी कि जो म्यांमार में कुछ नागा उग्रवादी हैं उनको भारतीय सेना ने मार गिराया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मैप को स्टडी कर लेते हैं। ये रहा म्यांमार, तो म्यांमार से इंडिया के कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो टच करते हैं, उनकी सीमा टच करती है। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश है वो म्यांमार को टच करता है और सबसे ज़्यादा उसकी सीमा म्यांमार से टच करती है। उसके बाद ये नागालैंड है जहाँ के जो उग्रवादी संगठन हैं जो उसके जो कह सकते हैं उग्रवादियों को मार गिराया था भारतीय सेना ने। उसके बाद ये मणिपुर है ये भी म्यांमार से टच करता है, और ये मिजोरम है ये भी म्यांमार से टच करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं तो इस सीजन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को टच नहीं करता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर आपके पास समय होता है तो आप केबीसी भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें दो उसके फायदे होते हैं, एक तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरा जो बेनिफिट ये है कि हमें जो इंडिया को समझने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ऐसे लोग आते हैं चाहे वो गरीब फैमिली से आते हैं कुछ बहुत अमीर होते हैं, तो हमें फिर वो कह सकते हैं ना इंडिया की डिमांड क्या है, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं तो हमें उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है, तो भारत को समझने में काफ़ी आसानी होती है, और जो कि आजकल कोई भी एग्जाम हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया को समझना, लोगों को समझना आपको आसानी होती है केबीसी के थ्रू। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे जो ये जो पहले मैंने आर्टिकल छोड़ दिया था दार्जिलिंग इश्यू वाला, तो दार्जिलिंग में अभी विवाद चल रहा है। पहले थोड़ा सा उसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं। जो भारत के होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो दार्जिलिंग में 106 दिन से हड़ताल चल रही थी, तो उन्होंने
आखिरकार एक जो दार्जिलिंग जनमुक्ति मोर्चा है उसके नेता हैं विमल गोरंग, उनको कहा है कि जो 106 दिन की हड़ताल है उन्होंने वापस ले ली है। ठीक है, तो पहले तो इस जो इश्यू है उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि अभी दार्जिलिंग जो इश्यू है वो क्या चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो ये दार्जिलिंग है, यहाँ दार्जिलिंग है और यह है जलपाईगुड़ी। तो 1980 दार्जिलिंग ये रहा और 1900 जलपाईगुड़ी ये। 1980 के दशक में क्या हुआ था कि यहाँ एक नेता उभरे थे सुभाष किसिंग, उन्होंने मांग की थी कि जो पश्चिम बंगाल से इस दार्जिलिंग वाले और जलपाईगुड़ी वाले इस क्षेत्र को मिलाकर एक अलग से स्टेट बना दिया जाए, क्योंकि हमारी भाषा अलग है और हमारी लैंग्वेज अलग है और पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र जो गवर्नमेंट है वो हमारे एरिया में तो डेवलपमेंट कर रही है और हमारे लैंग्वेज को भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। तो फिर उन्होंने मांग की, हिंसक आंदोलन हुआ, फिर धीरे धीरे वो आंदोलन समाप्त सा हो गया और शांत सा पड़ गया। फिर 2007 में जो ये कह सकते हैं ये आंदोलन है वो वहाँ से सुभाष किशन के हाथ से चला गया और एक नया नेता का उदय हुआ, विमल गुरंग जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लीडर थे। उन्होंने फिर से मांग उठाई थी 2011 में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट और विमल जो गुरंग है उनके बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत एक गोरखा टेरिटोरियल जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन GTA की स्थापना की गई 2011 में, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई 2011 में। उसके बाद स्थापना की गई और उनको काफ़ी अधिकार दिए गए, उनको काफ़ी ऑटोनॉमस दिए गए कि इस क्षेत्र में आप अपने हिसाब से कुछ कानून बना सकते हैं। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने 10वीं तक मैट्रिक तक अनिवार्य कर दिया कि जो बांग्ला भाषा उसको अनिवार्य कर दिया। तो फिर यहाँ चूँकि गोरखा नेपाली लैंग्वेज वो बोली जाती है तो यहाँ के लोगों में एक तरह से कैसे एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ इसका। तो फिर उन्होंने वापस से वो स्टेट अलग स्टेट की मांग शुरू कर दी। अब भारत इस स्टेट की मांग को क्यों स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है और ये जो जलपाईगुड़ी वाला क्षेत्र है ये बॉर्डर पे आए हुए हैं, नेपाल बॉर्डर पे है। ठीक है, तो भारत को लगता है कि आज हम अलग स्टेट बना देंगे, कल फिर ये धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर ये अलग से यहाँ कुछ नेपाल वाला क्षेत्र है, कुछ सिक्किम का क्षेत्र है, इसको मिलाकर ये अलग देश बना लेंगे, क्योंकि इस एरिया में गोरखा नेपाली काफ़ी रहते हैं। तो भारत नहीं चाहता कि भारत का विभाजन हो, एक और डिवाइडेशन हो, तो इसलिए भारत अलग जो स्टेट की मांग को नहीं मांग रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में काफ़ी बांग्ला भाषी लोग रहते हैं तो फिर अलग स्टेट बनेगा तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों में गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाए, बांग्ला भाषी और जो कह सकते हैं आप जो गोरखा लैंग्वेज बोलते हैं जो नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं उनमें बीच एक गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाए, तो उस स्थिति से भी भारत बचना चाहता है। और हाल ही में तो एक और कंसर्न इरेज किया गया कि जो आपको पता है कि सिक्किम के साथ हमारे इस क्षेत्र में विवाद हुआ था, ये जो ट्राई जंक्शन है सिक्किम को टच करता है, चीन को टच करता है और भूटान को टच करता है, यह हमारा विवाद हुआ था डोकलाम क्षेत्र को लेकर। तो कहा जा रहा है कि इस जो घटना के पीछे चीन का भी हाथ है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सिलीगुड़ी एरिया, देखो ये सिलीगुड़ी एरिया ये वही क्षेत्र है जो भारत को, ये 27 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र ही है, ये वही क्षेत्र है जो जो बाकी इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो अगर इस पर अगर कुछ विवाद हुआ या अलग देश बन गया तो हम नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं इसका सामरिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उस इश्यू के बारे में था। अब उस आर्टिकल के बारे में वापस आते हैं। जो ये न्यूज़ आर्टिकल उसमें ये बताया गया है कि जो दार्जिलिंग के जनमुक्ति मोर्चा के नेता हैं विमल गुरुंग, उन्होंने अपनी 106 दिन की हड़ताल वापस ले ली है और ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो वार्ता की अपील की थी उसके बाद लिया है। हालांकि अभी भी वहाँ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तो कहा है कि क्या कह सकते हैं ट्राइंगुलर लेवल पर यानी त्रिपक्षीय ट्राइंगुलर लेवल पर जो ये वार्ता कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनकी जो पार्टी है वहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी। वे गोरखालैंड टेरिटोरियल जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, गोरखालैंड प्रादेशिक बोर्ड है, उसके प्रमुख है विनय तमांग, ये तो हैं विमल गुरुंग, उनके उनको मतलब वार्ता में शामिल करना चाहती हैं। तो मतलब कुल मिला के वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी है वो भी वहाँ अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है। बीजेपी चाहती है कि अलग राज्य न बने लेकिन जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वो अशांत रहे ताकि उनके राजनीतिक हित है वो वहाँ सद सके। क्यों सद सके, उन्हें पता है अगर दार्जिलिंग अशांत रहेगा तो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में प्रभाव कमज़ोर होगा और इस क्षेत्र में ममता बनर्जी की पार्टी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दूसरा ये है कि
जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किया कर जो बीजेपी पार्टी, उन्होंने वहाँ पोलराइजेशन की कोशिश की, ध्रुवीकरण की कोशिश की, हिंदुत्व राजनीति खेलने का कार्ड खेला उन्होंने। तो ममता बनर्जी ने वहाँ लैंग्वेज कार्ड खेलते हैं, उन्होंने बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने का फैसला इसलिए लिया ताकि भाषा के नाम पर लोगों को एकजुट किया जा सके। ठीक है, जैसे हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लोगों को एकजुट किया जाता है, उसी तरह भाषा के नाम पर उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की। तो कुल मिला के सभी अपने पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो इस जो इश्यूज का नुकसान क्या हो रहा है, मतलब पॉलिटिक्स में नुकसान हो रहा है दार्जिलिंग का, और जो ये दार्जिलिंग जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहाँ टूरिज्म जो सीजन है वो पूरी तरह से कैसे तबाह हो चुका है। इसके अलावा वहाँ अशांति है, और वहाँ इंटरनेट, मोबाइल, ट्रांसपोर्ट वाली सुविधाएं हैं, बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक तरह से ये जो अभी सिचुएशन वहाँ ऐसी हो गई है जैसे कि बाबा आदम के ज़माने में होती थी। तो कुल मिलाकर यही है कि इस इश्यू का जो सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल वे से सुलझ सकता है, और इसके लिए सबको अपने जो संकीर्ण राजनीतिक हित हैं उनको छोड़ना होगा, और आपस में जो कह सकते हैं त्रिपक्षीय ट्राइंगुलर जो बातचीत है उसको स्टार्ट करना होगा और सही ढंग से उसका पालन करना होगा। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होता है। इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।